क्या बात है। सुने साधना जी, लपेटते रहो और सुनते रहो कि हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे मुसलमान, इस देश से जिसको प्यार नहीं, क्या बात है। हिंदू हो चाहे मुसलमान, इस देश से जिसको प्यार नहीं तो फिर उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं, तो फिर उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। इस देश का खा करके, इस देश में रह करके कुछ लोग हैं जो देश के नहीं। क्या बात है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भारत में रहकर भारत की, भैया रामू जी आदरणीय व्यास जी, कुछ लोग भारत माता की जय कहने पर ऐतराज करते हैं और इसका अच्छा खासा खुलासा मीडिया कर रही है। कहते हैं कि क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्या बात है। भारत में रहकर भारत की ये जय, भारत में रहकर भारत की जय करना यदि स्वीकार नहीं, दोनों हाथ उठा करके एक साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कह रहा हूँ, भारत में रहकर भारत की जय करना यदि स्वीकार नहीं तो फिर उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं, तो फिर उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। राजनीति में भी बहुत सारे लोग ऐसे मजबूत मौजूद हैं जो देश के नहीं। क्या बात है। कहना है राजनीति में धर्म जाति मजहब का बिस जो घोल रहे, मजहब का बिस जो घोल रहे, मजहब का बिस जो घोल रहे। नेताओं की एक नीति है धर्म की राजनीति करना, मजहब की राजनीति करना, जात की राजनीति करना। फलाने क्षेत्र से यादव जी खड़े हैं, धमाके क्षेत्र से पंडित जी खड़े हैं। राजनीति में धर्म जाति मजहब का बिस जो घोल रहे, राष्ट्र विरोधी ना राष्ट्र विरोधी नेता नारा खुले आम है बोल रहे, खुले आम है बोल रहे, खुले आम है बोल रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, यह प्रबुद्ध समाज है, रेडियो टेलीविजन अखबार पढ़ते हैं। हाँ, रेडियो जेएनयू में क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं। राष्ट्र विरोधी नेता नारा खुले आम है बोल रहे, और इसलिए
हितकारी इस देश के लिए, हितकारी अगर इस देश के लिए जिसका भी व्यवहार नहीं तो फिर उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं, तो फिर उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं, तो फिर उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। बीजेपी की सरकार जब नहीं बनी थी मोदी साहब करो विचार, कटती गाय करे पुकार, जगह जगह नारे लगे हुए थे। योगी की सरकार आई, देख रहे हो, उससे पहले क्या था, गौ माता की हत्या होती फिर भी चैन से बैठे हो, दूध पिलाया इसने तुमको, तुम सब इसके बेटे हो, तुम सब इसके बेटे हो, तुम सब इसके बेटे हो। अगर गौ माता के सच्चे पुत्र हो, आप सभी ने गौ माता का दूध पिया है, तो एक संकल्प लेना है, गौ माता की रक्षा में यदि, गौ माता की रक्षा में यदि मन में जागा प्रतिकार नहीं, कौन ऐसा हिंदू होगा जो सामने कटती हुई गाय को देख पाएगा। गौ माता की रक्षा में यदि मन में जागा प्रतिकार नहीं, तो फिर उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं, तो फिर उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं, तो फिर उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। आइए अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं आदरणीय तिवारी जी। गंगा सफाई अभियान के प्रति भारत सरकार बहुत जागरूक है और उसके पूरे प्रयत्न भी किए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब एनडीए की सरकार थी, मनमोहन डॉक्टर साहब के कार्यकाल में गंगा क्या कह रही थी सुनेगा। युगो युगो से जिस गंगा की निर्मल बहती धारा है, ओ निर्मल बहती धारा है, निर्मल बहती धारा है, युगो युगो से जिस गंगा की निर्मल धारा बहती है, निर्मल धारा बहती है, निर्मल धारा बहती है, ये वो गंगा है, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति है, जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। क्या बात है, आज प्रदूषित होकर गंगा मैया हमसे कहती है, मैया हमसे कहती है, मैया हमसे कहती है, हम सभी से गंगा मैया क्या कह रही है, बनू प्रदूषण मुक्त में फिर से, बनू प्रदूषण मुक्त में फिर से, जो भी है तैयार नहीं। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो गंगा माता की सफाई में सहयोग देना चाहते हैं, हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोग हैं, और जो तैयार नहीं है फिर, बनू प्रदूषण मुक्त में फिर से, जो भी है तैयार नहीं, तो फिर उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं, तो फिर उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं, तो फिर उसको इस भारत में।
वंदे मातरम 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की ब्रह्मचारी बाबा की दुर्गा माता की हर हर महा